बीएड जानते होंगे आप सब, ये बैचलर डिग्री होती है, ये एक डिग्री है। इसको करने वाला स्टूडेंट प्राइमरी प्राइमरी में 1 से 5 तक, जूनियर में भी, छः से आठ, और इसके बाद वो स्टूडेंट आपका BSA, BEO, जिसको ABSA के नाम से भी जानते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, ELT ग्रेड, उसके बाद लेक्चरर, इन सारे एग्जाम्स के लिए वो एलिजिबल होता है, वो इन सब की भर्ती के लिए में जा सकता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि BEd के माध्यम से क्या क्या हम कर सकते हैं, और ये करता, अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये डिग्री कौन कर सकता है। तो BEd की डिग्री जो होती है, ये बैचलर डिग्री है, इसको करने वाला स्टूडेंट आपको बताते हैं, इसकी बात करते हैं। चलिए, अब कौन कौन ये कर सकता है, इसको करने के लिए आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। तब आप एलिजिबल हैं, इसको कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन होता है 2 ईयर्स।